असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रिंशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि वो है मेरी मेकअप कलेक्शन की वीडियो, तो जो कि बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, बहुत से लोग कहे थे। तो मेरे पास इतना ज़्यादा जो है मेकअप नहीं है, जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो जो है एक और बात, मेरे पास एक प्रॉपर वैनिटी भी नहीं है जिसमें मेरी सारी चीज़ें पड़ी हों। तो इस तरह है कि मैं आप लोगों ने अगर मेरी कुछ पहली वीडियोस देखी होंगी उसमें आप लोगों को पता होगा कि मैं आजकल इटली आई हुई हूँ। सो आई एम नॉट इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है मैं विजिट पे आई हुई हूँ, कुछ दिनों के लिए आई हूँ, तो इसलिए मेरे पास एक प्रॉपर कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं इनको सेट करके रखूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। मैं वैसा नहीं है कि मैं बहुत सारा ले लूँ और उनको यूज़ ना करूँ, तो इन सब चीज़ों को मैं यूज़ भी करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो ये वाले जो हैं ये आईज हो गए कुछ, हाँ ये हैं मेरे कुछ मस्कारास, ये है वैकॉन का, मेबेलिन का, रिमिल का, किको, एंड ये जो है एसेंस का मैंने जो है यो है जेल है मस्कारा। तो इसमें आईज के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये है आईलाइनर्स और ये है मेटल आई शेडोज, ये ग्लिटर्स काजल हो गए, और ये है आईब्रो जेल। ये मैंने लिया था एक दफ़ा जेल आईलाइनर, तो ये किसी तरह ड्राई हो गया है, तो इसके बाद ना मैंने इसको इस पॉट में डाल के रख दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये इतना वर्क नहीं करता। खैर ये हैं बड़े मेरे पास कुछ काजल्स। ये वाले भी शुरू में स्टार्ट में बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं इनमें इनको क्या हो गया, ये जो है फैल जाते हैं। उसके अलावा ये वाला जो काजल है ये आप लोग जानते होंगे, इस काजल को बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे। तो इसकी जो पिन है, जो इसका रॉड है, वो गुम हो गया ट्रैवलिंग के दौरान। बहरहाल वैसे ये जो है बहुत बेस्ट काजल है, हर कोई इसको जानता होगा। उसके बाद मेरे पास हैं कुछ आई पेंसिल्स, लाइक ये है ब्लू कलर की किको की, बहुत ज़बरदस्त है। ये है कुछ वाइट पेंसिल, ये है बी क्यूट की, ये भी किको की है, ये काजल है। एंड उसके अलावा ये है बी क्यूट की, ये है क्लेजोना, ये है फेसेट का आईलाइनर। तो ये वाला जो लाइनर है मैंने जब से लिया इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया, तो ये पैकिंग में था फुल, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ था, तो मैंने जब उसको उतारा कवर तो अंदर से इस तरह से था ये, और मीन्स इसकी टिप जो है बहुत लॉन्ग है, ये देखे ना बहुत, और ये था भी ड्राई, ये बिल्कुल वर्क नहीं करता। ये मैंने न्यू लिया एंड कभी यूज़ भी नहीं किया। वैसे फेसिट जो है काफ़ी अच्छा ब्रांड है पाकिस्तान का। सो ये थी आई से रिलेटेड चीज़ें। एंड उसके बाद आ जाती हैं लिपस्टिक्स एंड ये हैं स्टिक्स। तो जो है लिपस्टिक आप लोगों ने मेरी देखी होगी, लिपस्टिक कलेक्शन जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो ये हैं कुछ पेंसिल्स, ये आई पेंसिल है, अच्छा तो ये है किको की। किको की जो पेंसिल हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। उसके बाद मेरे पास हैं कुछ हुदा की फेक लिपस्टिक्स, मैट लिपस्टिक जो कि बस नॉर्मल है, इतनी ख़ास नहीं है। ये वाले जो दो हैं ये तो बिल्कुल ये ड्राई थी, ये किसी काम की नहीं है। उसके अलावा ये जो दो हैं ये अच्छी हैं, मीन्स मैं इनमें से कोई एक लिपस्टिक लगा के ऊपर ये लगा देती हूँ तो वो लॉन्ग लास्ट हो जाती है बस। और उसके अलावा जो है फेमिना की स्टिक्स से रिलेटेड भी आपने मेरी वीडियोज़ देखी हुई हैं। ये है टी वी पेंट स्टिक क्रैलोन की, वो भी आपने देखी हुई हैं, और किको की लिपस्टिक है ये, ये भी बड़ा मज़े का कलर है। उसके बाद मेरे पास हैं ये कुछ लिप बाम, एंड इधर भी एक थी, हाँ ये है, ये भी है किको की, इसकी हालत ख़राब है बट इसका कलर बहुत प्यारा है, इस तरह से खुलती है, ये कलर जो है ये ख़राब, ये टूट गई थी बट बहुत प्यारा कलर है। उसके बाद मेरे पास है एक ये H&M का लिप ग्लॉस। सो जो है मैं लिप ग्लो वाली लड़की नहीं हूँ जो मैं लिप ग्लो लगाती हूँ, और ये मैंने ज़िंदगी में एक ही लिया था और जो अभी तक रखा हुआ है। तो मुझे जो है मैट लिपस्टिक्स पसंद आती हैं, लिप ग्लॉस जो है इतने पसंद नहीं आते। ओके नेक्स्ट है अब हमारे
तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ फेस से रिलेटेड चीज़ें। तो मैंने जो है इनको इस तरह सेपरेट बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं हमारे, उनमें मैंने इसको रख लिया, क्योंकि इस तरह जो सारी चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं एंड बहुत बुरी लगती हैं। ओके, अब फेस से जो रिलेटेड हैं वो इसमें है मेरे पास फेस पाउडर्स, फाउंडेशंस, ये हैं कुछ बेस वगैरह, हाइलाइटर्स, तो ये जो है एसेंस की, मेबेलिन की, ये है मेरे पास एक इसको क्या कहते हैं सेटिंग स्प्रे, ये है एक मैक का कॉम्पैक्ट नहीं एक्वा बेस जिस तरह होती है ये, वो है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका जो है मैंने रिव्यू करना है। ये तो जो पानी से लगती है ये वाली बेस एंड ये बहुत अच्छी है, इसका एक तो ये फेक है एंड उसके अलावा इसकी प्राइस 225 है और ये बहुत अच्छी है। इन सब का जो है ये मेरी पेंडिंग रखी हुई है, ये वाली बेसिस जो है क्रिस्टाइन की, क्रायलॉन की एक ये भी है, ये टूट गई है लेकिन जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। इन सब का जो है मैंने इकट्ठा रिव्यू करना है, ये पेंडिंग में रखी हुई है। उसके अलावा ये हो गया ब्यूटी ब्लेंडर, ये भी है फाउंडेशन, और ये क्या है, ये क्रीम है कोई, ये है ब्लश, ये है मेरा फेवरेट फाउंडेशन, और ये है सीरम, हाइलाइटर, इससे रिलेटेड जो है वीडियो मैंने दी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बी क्यूट की जो है मूज फाउंडेशन, इससे रिलेटेड दिखा देती हूँ, तो ये जो है अंदर से इस तरह से की होती है एंड ये वाला जो शेड है ये मेरी स्किन से थोड़ा लाइटर शेड है, बट ये जो है अच्छा फाउंडेशन है लो प्राइस में, इजी टू ब्लेंड, देखें फुल कवरेज नहीं है, ओवरऑल अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास कुछ कंसीलर्स, ये है मेरा ब्रॉन्जर, ये अगेन ब्लश हो गई, और जो है ये भी है ब्रॉन्जर पाउडर, और ये हैं कुछ कंसीलर्स, ये वाला भी है कंसीलर जो कि मैं पहले स्टार्ट में यूज़ करती होती थी, काफ़ी अच्छा कंसीलर है ये, तो अब जो है इसको मैं यूज़ नहीं करती। ये देखें काफ़ी हद तक जो है ये पिगमेंटेड है, और ये है कंट्रोल स्टिक, हाइलाइटर, और ये जो है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि टूट गया, कल टूटा है ये, और ये रिमिल का है स्टे मैट, बहुत ही अच्छा है ये वाला पाउडर। ये है एनास्ताजिया का फेक हाइलाइटर, तो तब मैंने ये ले लिया था लेकिन जो है बेकार तरीन, खैर इसमें जो है मैं ख़ुद को नहीं दिखाऊँगी, आज मैं बहुत बुरी लग रही हूँ इसीलिए, इसको मैं दिखा देती हूँ, ये है हाइलाइटर, तो जो है ये काफ़ी डार्क है, मींस ये मेरी स्किन टोन के अगर मैं इसको अपने फेस पे लगाती हूँ ना तो वो एक एरिया वाजे होने लग जाता है फेस पे। खैर उसके अलावा जो है ये हैं कुछ प्राइमर्स, और ये है सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर। ओके, नेक्स्ट इस कॉर्नर में है कुछ नेल्स से रिलेटेड चीज़ें, तो जो है इनको मैंने सेपरेट करके रख दिया, क्योंकि ये जब इनमें मिक्सअप हो जाती है ना दूसरी चीज़ों में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इनको ढूंढने में। तो ये हैं मेरे नेल्स, नेल्स से रिलेटेड भी आपने वीडियो देखी हुई होगी, तो अगर आपने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आप मेरी हर वीडियो देखते हैं तो इससे रिलेटेड भी ये है कि इनको किस तरह फिक्स किया जाता है। बाकी हैं ये कुछ नेल पेंट्स, मेरे पास ज़्यादा जो हैं वो किको की हैं एंड उसके अलावा इस ब्रांड की हैं, ये है मैडम कॉस्मेटिक्स, हाँ ये है, तो इसकी जो नेल पेंट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके अलावा ये हैं कुछ क्रिस्टाइन की, ये भी बहुत अच्छी हैं, मिडोरा की तो होती अच्छी हैं, और बाकी कुछ और ये हैं, एक फेमिना की भी है, ये भी ज़बरदस्त है। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो है नेल पेंट रिमूवर एंड कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज वगैरह जो है यहाँ पे, नेल कटर्स एंड शॉर्पनर्स, ये सब मैंने रखे हुए हैं, और ये है हेयर थ्रेडर,
तो इसको जो है मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ये मैंने लिया था बट मुझे नहीं पता ये किस तरह से यूज़ होता है। ये इस तरह अपनी बॉडी के ऊपर इसको घुमाना होता है एंड जो है हेयर रिमूव हो जाते हैं, तो इसको कभी मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे कुछ डॉटिंग टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, ये जो कि आपने मेरी नेल आर्ट वाली वीडियो में देखा होगा। ओके, नेक्स्ट जो है यहीं पे ही मैंने रखी हुई हैं अपनी कुछ पैलेट्स, टिशू है। सो ये वाली है मेरी 4 पैलेट्स, उसके अलावा बाकी जो है नीचे वाले ड्रॉअर में रखी हुई हैं, ये भी आप लोगों ने देखी होंगी मुझे यूज़ करते हुए। तो ये है अर्बन डिके की पैलेट, ये है सिफोरा की, ये भी, इसके अलावा जो है एक, इसका मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि इसका नाम जो है वो मिट चुका है, बट ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको खोल के दिखा देती हूँ, खुल जा। तो जो है ये है वो पैलेट, इसके काफ़ी मैं अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी पिगमेंटेड एंड इसमें हर कलर अवेलेबल है। ये आई थिंक लोकल कोई ब्रांड की है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास रिवाज की पैलेट, ये भी आप लोगों ने देखा होगा मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छी, इसमें जो है सारे कलर वो हैं शिमर शेड्स हैं, ये वाले सारे जो हैं शिमर शेड्स हैं। और ये जो है इसको, यह है जस्ट गोल्ड बाय इटली, इसकी जो पैलेट है ये भी बहुत अच्छी है एंड इसकी जो है पिगमेंटेशन उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ये बहुत ही पिगमेंटेड है, ये देखें ये बहुत अच्छी है एंड आई थिंक ये पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 800 या 1000 तक की मिल जाती है। तो इसके जितने भी ये सारे आई शेडोज हैं ये सारे मेरे फेवरेट हैं, ठीक है इनको मैं रख लेती हूँ। ओके, ये था मेरा ड्रॉ नंबर 1 एंड एक साइड पे ये भी रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है सॉल्यूशन मेरे लेंजेस का एंड उसके अलावा ये है लेंस एंड ये जो है मोस्ट आस्क क्वेश्चन है आपके लेंस कहाँ से हैं, सो दीज आर माय लेंस एंड दीज आर फ्रॉम अल्टीमेट प्लस एंड ये इजीली मिल जाते हैं हर जगह से और इनकी ऑलमोस्ट प्राइस अब मुझे याद नहीं है। सो ये है इनका कलर, ये वाला, सो दीज आर वेरी गुड, बहुत अच्छी हैं। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रॉअर की तरफ। ओके, नेक्स्ट जो है ड्रॉअर, उसकी जो है कुछ इस तरह से मैंने इनको सेट किया हुआ है, ये हैं मेरे ब्रशेस, सारे ब्रशेस जो कि अब धोने वाले हुए हुए हैं, दिखा देती हूँ आपको। सो ब्रशेस से रिलेटेड भी मैंने जो है वीडियो दी हुई है एंड उसके अलावा ये जो है ये मेरा एक ब्यूटी ब्लेंडर था एंड इसको जो है मैंने कट कर लिया था एंड इससे जो है मैं वो लूज पाउडर लगाने में इस तरह आसानी हो जाती है। खैर, ये है मेरा मिरर, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो सबसे पहले जो है इधर इस ड्रॉअर के मैं आपको दिखा देती हूँ ज्वेलरी, तो इनमें जो है मैंने ज्वेलरी रखी हुई है, ऑलमोस्ट हर कोई ऐसा ही करता है, इस तरह के बॉक्सेस में ज्वेलरी रखते हैं। तो ये मेरे जो है ब्रशेस वाला बॉक्स था, उसमें इसमें जो है कुछ जो जिनके ना कलर डैमेज हो जाता है उनको मैंने इस तरह टिशू में रखा हुआ है, उसके अलावा बाकी जो है मेरी सारी ज्वेलरी, ये अभी तक मैंने इनको पहना नहीं है, ये बहुत प्यारे से टॉप्स हैं एंड ये जो है मेरा लेंजेस का बॉक्स है, इसमें जो है मैंने कुछ अपनी गोल्ड की ज्वेलरी रखी हुई है एंड ये भी है, बाकी इसके अलावा जो है गोल्ड की सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो इस वाले जो है बॉक्स में कुछ ज्वेलरी है, कुछ ये हेयर एक्सेसरीज हो गई, कैचर हो गए, पोनी हो गई एंड जो है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जो कि अभी तक मैंने पहनी नहीं है, ओपन भी नहीं की। तो ये हैं कुछ कैचर्स, ये वाले टैसल्स वाले इयर रिंग्स मेरे फेवरेट, मुझे जो है हुक्स बहुत पसंद है तो जो है मैंने इनका पूरा पैक लिया हुआ है हुक्स का, तो जिस साइज़ का भी मेरा पहनने का दिल होता है मैं वो वाले पहन लेती हूँ। ये वाले जो हैं हुक्स, अभी भी मैंने इनमें से जो ये फर्स्ट वाले हैं वो ब्लैक कलर के थे वो पहने हुए हैं, बाकी सारे मेरे, ठीक है। और जो है इसमें क्या है, ये वाले इयर रिंग्स हैं,
ये भी बहुत क्यूट से एयररिंग्स हैं। तो इसका जो है पार्टनर एक पता नहीं कहाँ है, इस तरह से हैं, ये नीचे ट्रायंगल है एंड ये इतना प्यारा सा एक पोम पोम है। ओके नेक्स्ट इस साइड पे जो है वो रखे हुए हैं मेरे आई शेडोज, जो के हैं सिंगल आई शेडोज। जो पैलेट्स हैं वो आपको मैंने दिखाई हैं, वो इधर ऊपर हैं। ये है जस्ट गोल्ड की, तो ये भी बहुत अच्छी हैं। ये ब्लू वाली आपने देखी होगी मैंने यूज़ कर, ये वाली जो है इसको मैंने यूज़ नहीं किया, ये टूट गई थी, ये गिरी थी एंड इसके सारे जो हैं आई शेडोज वो गिर गए थे। ये देखें टूटा हुआ है ये सारे, ये मेरी बिल्कुल न्यू थी एंड ये टूट गई थी। एंड इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, ये देखें बहुत प्यारे आई शेडोज हैं ये वाले। ओके ये वाली जो पैलेट है ये है ब्यूटी रॉयल ब्यूटी की एंड ये मेरी फर्स्ट पैलेट है जो मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा कुछ लिया था, तो ये लिया था। तो ये भी बहुत प्यारे इसमें आई शेडोज हैं, ये देखें ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है ये है एक पैलेट, ये है एक सिवाना ब्यूटी का आई शेडो, ये भी है एक जॉर्डन ब्यूटी का, ये है एवोन एट्यूड, ये जो सारे हैं ये हैं सिंगल आई शेडोज। ये बहुत प्यारे प्यारे इनके कलर्स हैं। तो ये वाला जो है ये है क्रायलोन का एक्वा कलर, बहुत पिगमेंटेड है ये कलर, बहुत प्यारा है। और ये है स्वीट टच का, ये भी है सिवाना ब्यूटी का, ये है सिफोरा का, ये एट्यूड एट्यूड सिफोरा 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 एंड इसका नहीं पता, ये है जस्ट गोल्ड का एंड ये भी है, इसका भी नहीं पता। तो ये हो गए सारे जो हैं आई शेडोज। एंड ये जो पीछे वाला बॉक्स है इसको जो है मैं निकाल के दिखा देती हूँ। तो पीछे वाले बॉक्स को जो है मैंने आगे कर लिया है, इसमें मैंने रखी हुई है कुछ अपनी आईलैशेस, तो ये है आर्टमैटिक की एंड ये है आईलर की। तो ये वाली जो लैश है ये ख़राब हो गई है, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ है, इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वो मैं अपनी आईलैशेस जो है हाउ टू अप्लाई आईलैशेस वो मैं कल तक वीडियो शूट कर लूँगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ इसका वाकया बयान करूँगी। खैर एंड ये है, ये भी है आईलर की एंड इनके साथ जो है ग्लू मिलती है। एंड ये है आइडल की जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, और इसके साथ ये भी थी, इनका जो है बॉक्स पता नहीं कहाँ चला गया। ये भी आइडल की हैं लैशेस ये वाली एंड ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ओके नेक्स्ट जो है ये भी हैं लैशेस जो कि मैंने ली थी लोकल मार्केट से, आई थिंक ली थी। एंड इनका जो बेस्ट थिंग है वो इनका बैंड है ये वाला, जो कि काफ़ी थिक है एंड वो इजीली लग जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी हैं। तो उसके बाद मेरे पास हैं ये लैश कर्लर, सम ग्लूज, तो ये हैं आईलैशेस ग्लू। तो इनके इनसे जो है इनका रिव्यू मैंने देना है, वो भी मैं अपनी आईलैशेस वाली वीडियो में दूंगी। और ये है ट्यूज़र इनको अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद ये जो सारे इस साइड पे आ जाते हैं ना, ये सारे लूज ग्लिटर्स हैं, ये है लूज ग्लिटर ग्लू ग्लिटर प्राइमर इसेंस का। इन इसके जो है बगैर ये लूज ग्लिटर कुछ भी नहीं है, बस फिर ये देखने में प्यारे लगते हैं, वैसे फिर जो है ये कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है ये वाली। उसके बाद ये जो सारे हैं ये ग्लिटर्स रखे हुए हैं, लैशेज फिर यहाँ पहुँच गई हैं। खैर इनको जो है मैं बाद में, ये है मेरे पास कुछ है लवली जो कि मैं यूज़ नहीं करती एंड ये है गोल्डन पैर की डे एंड नाइट क्रीम, वो भी मैं यूज़ नहीं करती। ओके ये हो गया, अब एक रहता है ये वाला बॉक्स, तो इसको जो है मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ओके ये है, इसे ये आप लोगों ने देखी हुई होगी। एंड उसके अलावा ये है मेरी कुछ डायरीज, इसमें जो है मैं रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड जो है मैंने जो शूट करनी होती हैं वो मैं इनमें लिख लेती होती हूँ ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि अक्सर मुझे भूल जाती हैं। खैर वीडियो से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो मैं इसमें पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मैंने क्या वो करना है। तो ये एक छोटा सा बॉक्स जिसमें रखी हुई हैं सारी मैंने सेफ्टी पिंस, ये हैं टिंकल रेजर्स, तो ये काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, इनसे
काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हैं थिंकर रेजर के अलावा जो है ये कुछ टिश्यूज़, कुछ कॉटन पैड्स, हेयर पिंस एंड थ्रेडिंग के लिए जो है थ्रेड, और उसके अलावा जो है वेट वाइप, तो सारे मैंने इधर ही रखे हुए हैं। ये हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ओके, अब है ये मेरा लास्ट ड्रॉअर, इसमें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें कुछ चीज़ें इस तरह रखी हुई हैं, सारी जो है मेरी ऑलमोस्ट स्किन केयर से रिलेटेड भी हो गई, यानी डिफरेंट चीज़ें जो है इसमें रखी हुई हैं। ये है क्लिंजर, तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाली हुई, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये मुल्तानी मर्ड, इससे रिलेटेड भी है। ये है स्किनोल फेशियल क्लिंजर, इससे रिलेटेड है। हैंड क्रीम हो गई, ये कुछ मेहंदियाँ रखी हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करती। एंड ये है मेरा हेयर आयरन, जो कि बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आप कौन सा हेयर आयरन यूज़ करती हैं, वो है ये रिमिंगटन का। एंड आई थिंक मैंने मॉडल भी आप लोगों को बताया था, तो मैं इसको ओपन करके आपको मॉडल दिखा देती हूँ। तो इसका जो है मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो है मॉडल नंबर S15110। ये यहाँ पे लिखा हुआ है S15110, ठीक है। तो ये जो है रिमिंगटन का हेयर आयरन, इसको ये मुझे मिला था फ्री, और इसके साथ मिला था ये जो इनकी ब्लो ड्रायर है इसके साथ, तो ये भी है रिमिंगटन की। ये वाली जो है मैंने ब्लो ड्रायर ऑलमोस्ट ली थी 5000 की, एंड उसके साथ जो है मुझे ये वाला स्ट्रेटनर फ्री मिला था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है कुछ स्क्रब रखे हुए हैं, कुछ ऑयल रखे हुए हैं, ये मास्क है, एंड ये इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो शूट करनी है। ये मैंने लिया था, इससे पहले भी एक लिया था, वो मैं बड़ी वाली पैकिंग में था, वो बहुत ज़बरदस्त था। खैर, तो ये है, इससे जो है रिलेटेड, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सोचा था मैं यूज़ करूँगी एंड फिर इसके बारे में रिव्यू दूँगी। ये भी है मास्क, एंड ये जो है रखे हुए, ये है मेरे मेकअप पाउचेस। तो एक है ये ट्रांसपेरेंट पाउच है, एक है इस तरह से, उसके अलावा एक है ये, तो एक ये रहा एंड एक ये रहा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि मैं बहुत वेल ऑर्गेनाइज लड़की हूँ, जितनी इतनी तरतीब से सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो है मैं वेल ऑर्गेनाइज लड़की नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मिक्सअप हुई होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, तो मैंने इसको वीडियो के लिए स्पेशल सेट किया है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।